हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत के पर्वत। लास्ट क्लास में अपन ने प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत के पर्वत और एसएससी एंड रेलवे एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, उत्तर भारत के पर्वतों की बात आती है तो अपन पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। क्या पढ़ते हैं? हिमालय के बारे में। ठीक है, जैसे अपन ने प्रायद्वीपीय पर्वत पढ़े थे, प्रायद्वीपीय पर्वतों के अपन ने 8 भाग पढ़े थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वत, छठपुड़ा पर्वत, ये अपन ने सब पढ़ा था। ठीक, उसी प्रकार अपन जैसे उत्तरी पर्वत के पर्वत हिमालय के भी 3 भाग करके पढ़ेंगे। तो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाग आता है ग्रेट हिमालय, जिसको बोला जाता है बृहद हिमालय। दूसरा आता है मिड हिमालय और तीसरा आता है शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक। तो यह हमारे टॉपिक होने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपसे अधिकतर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वतों में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के अपन 3 पार्ट पढ़ेंगे, ग्रेट या बृहद हिमालय, मिड हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो अभी सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, उसको बोला जाता है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, यह आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। इसके बारे में पहले थोड़ा समझते हैं। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यह है क्या है? पहली बात आप इसको याद रखना, हिमालय की उत्पत्ति का, ऐसे तो बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन आपसे पूछा जाता है हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। समझ चुके हैं आप, हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत। देखो, समझते हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराव के कारण तैतीस सागर में जो नदियों का अवसाद बना, वही हिमालय कहलाया। तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनोमी का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनोमी क्या कहता है? प्लेट टेक्टोनोमी पढ़िए, हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है। सबसे पहली बात तो आपको यह याद होना चाहिए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपस में टकराव के कारण टैटिस सागर में जो नदियों का अवसाद बना, वही हिमालय कहलाया। तो बहुत बार ऐसे भी सवाल आता है, जहां आज हिमालय है वहां पे पहले कौन सा सागर था? तो आप क्या बताएंगे? टैटिस सागर था। कौन सा सागर था? तैतीस सागर था। तो यह है आज का हमारा सेशन, आप यहीं से चालू करेंगे तो और अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ग्रेट हिमालय, तो हेडिंग डालिए ग्रेट या बृहद हिमालय है। यहाँ तक के पॉइंट आप इस सिद्धांत को एक बार याद रखना, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ से तैतीस सागर याद रखना है और यह है हिमालय की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो आइए पहला टॉपिक अपन लगाते हैं ग्रेट या बृहद हिमालय। क्या लगाएंगे? ग्रेट या बृहद हिमालय, यह आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। ग्रेट या बृहद हिमालय, ग्रेट या बृहद हिमालय, आइए बात करते हैं इसके बारे में, पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात, उत्तर भारत का यह पर्वत है, पहली बात आपको याद होनी चाहिए, आशा आपको यह याद हो जाएगा कि हिमालय उत्तर भारत का पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है हिमालय की सबसे बड़ी
हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? ग्रेट हिमालय। हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? ग्रेट हिमालय। अब बात करते हैं विस्तार की। विस्तार और इसका विस्तार अपन यह क्या है, ग्रेट या ब्रेट? पूरा हिमालय तो क्या है, देखो भारत में भी है, नेपाल में भी है, और नेपाल में ज्यादा है, इसका पार्ट नेपाल में ज्यादा है। तो अपन विस्तार क्या पढ़ेंगे? ओनली भारत का इसका विस्तार अपन पढ़ेंगे। तो लिखिए, भारत के नंगा पर्वत से, भारत के नंगा पर्वत से लेकर, भारत के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा में यह खत्म होता है, से लेकर नामचा बर्मा। नामचा बर्मा के लोकेटेड आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यह समाप्त होता है। अपन यह किसकी बात कर रहे हैं? भारत में किसके विस्तार की? ग्रेट या वृहद हिमालय की विस्तार की बात कर रहे हैं। भारत के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में यह समाप्त होता है। तो देखो, पहली बात अपन ने यहाँ से की हिमाचल की सबसे बड़ी श्रेणी, नंबर दो। नंबर तीन पॉइंट लगाइए विस्तार। अब पढ़ेंगे अपन नंबर तीन पॉइंट, प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां इसकी है, लेकिन आप पहले नोट डाल के आप लगाइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी इसका क्या नाम है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। और यह है केटू या गॉडविन ऑस्टिन किसका भाग है? यही इंपॉर्टेंट है, यह है वृहद हिमालय का भाग है। किसका भाग है? वृहद हिमालय का भाग है, आपको यह याद रखना है। देखो, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा उत्तर भारत के पर्वतों में, पहला हमारा टॉपिक था ग्रेट या वृहद हिमालय, हिमाचल हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी, विस्तार इसका भारत में अपन ने बताया, भारत के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में यहां तक इसका विस्तार है। और तीसरी बात अपन ने यहां से ऐसी की, क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू ग्रेडविन ऑस्टिन, वृहद हिमालय का वह भाग है। अब लगाते हैं नोट, लगा के लगाइए आप पॉइंट, नोट डाल के लगाइए आप पॉइंट, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, इसको रफ करना, बाद में आप स्क्रीनशॉट लगा के लिख लेना इसको, ठीक है? अब लिखिए अगला पॉइंट, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट हो गई। और यह कहाँ स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। अगला टॉपिक लगाते हैं अपन, सर्वोच्च चोटी यहां से क्लियर हो गया, लिखिए हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी वह है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है? यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा, दूसरा पॉइंट अपन ने ये लिखा, अब लिखते हैं तीसरा पॉइंट, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी। लिखिए पूर्ण रूप से हिमालय की सर्वोच्च चोटी। देखो यह तो ये देखो कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा भी दो भागों में, लिखिए इंडिया और नेपाल, यह दो भागों में है। अब लिखते हैं पूर्ण रूप से भारत, पूर्ण रूप से हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी, नाम लिखिए नंदा पर्वत, नाम लिखिए नंदा पर्वत। तो
तो यह तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? देखो, हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ओवरऑल हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी, हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी का नाम है कंचनजंगा। और कंचनजंगा दो भागों में है, एक तो कौन कौन से में, इंडिया में और नेपाल में, ठीक है। और तीसरा सवाल आता है पूर्ण रूप से, मतलब जिसका सारा भाग भारत में स्थित है, सारा भाग भारत में स्थित है, उसका नाम है नंदा पर्वत। क्या नाम है? नंदा पर्वत। यहाँ तक कि ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिकी में बैठता है, आपको यहाँ पे फंसाने का वह प्रयास करेगा। अगला लिखिए प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, और लिखना यहाँ पे कंचनजंगा भारत में भी कहाँ है, ये सिक्किम में कहाँ है, सिक्किम, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रमुख चोटियां आपने यहाँ से पढ़ा, नंदा देवी हो गया, बंदरपुच्छ हो गया, यह दोनों इंडिया में स्थित है, और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हो गई, और धौलागिरी, एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, यह सब नेपाल में स्थित है। तो यह आज का हमारा एक छोटा सा सेशन था, किसके ऊपर? ग्रेट एवरेस्ट हिमालय के ऊपर। जो देखो, अब सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा इसका विस्तार के बारे में, विस्तार के बारे में पढ़ा। भारत की सबसे, हिमालय की सबसे सर्वोच्च ऊंची श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। फिर उसके कुछ पार्ट पढ़े, यह तीनों सवाल पढ़े और उनकी चोटियां पढ़ी। कल मिलते हैं, इससे आगे मिड और शिवालिक कल अपन क्लियर करेंगे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहे, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद।